हमारा अगला टॉपिक है जर्नल या इसे हम जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की फर्स्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जर्नल है जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने से पहले हम एक बार अपने अकाउंटिंग रूल्स रिवाइज करते हैं हमारे अकाउंटिंग रूल्स में फर्स्ट रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये पर्सनल अकाउंट के लिए अप्लाई होता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल अकाउंट के लिए अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस नॉमिनल अकाउंट्स के लिए अप्लाई होता है कुछ और रूल्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो ये हैं डेबिट ऑल इंक्रीज इन असीट्स क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन असीट्स फिर नेक्स्ट है डेबिट और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल क्रेडिट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल थर्ड सेम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस अकाउंट्स लर्न करने के लिए ये अकाउंटिंग रूल्स आपके बेसिक्स हैं ये बेसिक रूल्स हमेशा आपको अकाउंट्स समझने में हेल्प करेंगे अब हम जर्नल पे आते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस और कमेंस्ड और इन्वेस्टेड इन बिज़नेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड राम ने फिफ्टी थाउजेंड से अपना बिजनेस स्टार्ट किया इस ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक बार अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं पहला कॉलम है डेट सेकेंड पर्टिकुलर लेजोफोलियो डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट में हम अपने अमाउंट को लिखेंगे हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड राम ने फिफ्टी थाउजेंड से बिजनेस स्टार्ट किया इसका अफेक्ट ये हुआ एक तो बिजनेस में कैश आया दूसरा कैपिटल जनरेट हुई हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश को हम डेबिट करेंगे और कैश डेबिट लिखा और अमाउंट को हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे दूसरा हमने राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया और उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा कैश को हमने दो सेंस में डेबिट किया एक तो हमारा रूल है डेबिट वर्ट कम सेंस उस पॉइंट से बिजनेस में कैश आया है इसलिए हमने इसे डेबिट किया दूसरा हमारा एक एडिशनल रूल में भी है कि डेबिट ऑल इंक्रीज इन असेट्स कैश हमारा असेट है इंक्रीज हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको डेबिट किया और हमने क्रेडिट किया राम्स कैपिटल अकाउंट एक पॉइंट ये कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बिजनेस के प्रोपराइटर का बिज़नेस के ऑनर का जो हम अकाउंट्स लिखते हैं रिकॉर्ड करते हैं ये बिजनेस के होते हैं और बिजनेस के पास राम से पैसा आया क्योंकि वो प्रोपराइटर है तो हमने उसे क्रेडिट किया राम कैपिटल अकाउंट लिखकर ये कैपिटल अकाउंट कर करा है बिज़नेस के प्रोपराइटर को ये पर्सनल अकाउंट है तो हमारा जो रूल है क्रेडिट द गिवर वो यहाँ पे अप्लाई हुआ हु इज गिवर राम इज गिवर तो बिजनेस के पास जो पैसा आया बिजनेस के प्रोपराइटर राम से आया तो ये जो राम कैपिटल अकाउंट है ये राम को रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट द गिवर और हमारा एक रूल ये भी है कि क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई जनरेट हुई तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया यहाँ पर हमने लिखा राम्स कैपिटल अकाउंट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हम राम वर्ड लिखें हम सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड लिख के कर सकते हैं तो इस तरह हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट फिफ्टी थाउजेंड और फिर हमने नरेशन लिखा नीचे नरेशन का मतलब है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है जो हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी है जिसके लिए हमने एंट्री बनाई है उस ट्रांजैक्शन को ब्रीफ में लिखना इसे हम नरेशन कहते हैं हमारी जो जर्नल एंट्री है जो हमने ऊपर लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको ब्रीफ में लिखना होता है हमें नीचे ब्रैकेट में इसे हम नरेशन कहते हैं जो भी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे उसकी ट्रांजैक्शन को हमें उसके नीचे ब्रीफ में ब्रैकेट में लिखना होता है हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी इस केस में राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ये एक नया बिजनेस है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस पहले से चल रहा हो हम हर साल अपने बिज़नेस के अकाउंट्स क्लोज करते हैं क्लोज़ करने के नेक्स्ट डे से हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं अब हम आते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे यहाँ लिखा है व्हेन द एंट्री इज़ मेड फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिजनेस जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी इसमें राम ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था फिफ्टी थाउजेंड से जिसकी हमने जर्नल एंट्री पास की लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में हमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिज़नेस की कुछ असेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है हम एक पीरियड के बाद अकाउंट्स क्लोज करते हैं और फिर अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं क्लोज़ करने के बाद हमें कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज गिवन है क्योंकि बिज़नेस पहले से रनिंग है जब हमने अपने अकाउंट्स क्लोज़ किए तो हमारे पास कुछ एसेट्स थी कुछ लाइबिलिटीज़ थी एसेट्स में हमें दिया है कैश इन हैंड ट्वेंटी थाउजेंड कैश एट बैंक टेन थाउजेंड मशीनरी फिफ्टीन थाउजेंड स्टॉक फाइव थाउजेंड सुनील डेबिट या डेटर वन थाउजेंड लाइबिलिटीज़ में दिया है ओइंग टू अनिल लिमिटेड क्रेडिट या क्रेडिटर सेवन थाउजेंड और बैंक लोन दिया है फोर्टीन थाउजेंड हमें कुछ असीट्स दी हैं ये एक अकाउंटिंग पीरियड के क्लोज होते टाइम क्लोजिंग असेट्स के बैलेंस हैं और जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी हमारे पास ये बैलेंस होंगे असेट्स और लायबिलिटीज के इन असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस से हम अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करेंगे जब हम इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम अपनी असीट्स को डेबिट करेंगे जैसे हमने कैश डेबिट किया ट्वेंटी थाउजेंड जो हमें गिवन है बैंक डेबिट टेन थाउजेंड मशीनरी डेबिट फिफ्टीन थाउजेंड स्टॉक डेबिट फाइव थाउजेंड सुनील अकाउंट सुनील्स अकाउंट डेबिट वन थाउजेंड टू अनलिमिटेड क्योंकि ये लाइबिलिटी है हमारा क्रेडिटर है हमने इसे पैसे देने हैं तो हम इसे क्रेडिट करेंगे सेवन थाउजेंड बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी है उसे भी हम क्रेडिट करेंगे तो असेट्स को हम डेबिट करेंगे लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे यहां हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट ये हमने फाइंड किया है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके तो बैलेंसिंग फिगर आई कैपिटल अकाउंट थर्टी थाउजेंड इन असेट्स का टोटल है फिफ्टी वन थाउजेंड लाइबिलिटीज का टोटल है ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी वन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड तो कैपिटल आता है थर्टी थाउजेंड और यहाँ हमने नरेशन रिकॉर्ड किया फॉर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर तो जो हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड हमने एंड किया उसके क्लोजिंग बैलेंस को हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया जब हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया